महिला मोर्चा की चल रही 2 दिवसीय बैठक का समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कस्बा जसूर में पहुंचने पर महिला मोर्चा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कस्बा जसूर में मुख्यमंत्री द्वारा बस अड्डे सहित करोड़ों रुपए के पेयजल योजनाओं के शिलान्यास किए गए। शिलान्यास के बाद महिला मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री को विशाल रैली के साथ सभा स्थल पर लाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल सुरक्षित है, और फिर भी जहां ऐसी कोई सूचना है कि खुफिया तंत्र को सुरक्षा के लिए बोल दिया गया है। आज प्रदेश महिला कार्य समिति की बैठक थी जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक हुई। आने वाले लोकसभा चुनावों की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है। मातृशक्ति की ओर से जो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने चाहिए, उनके लिए महिला मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। पत्रकारों के पूछे गए सवाल कांगड़ा में मंत्री और विधायक आपस में लड़ रहे हैं के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तर दिया कि कुछ बातों को लेकर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, फिर भी कुछ बातें सामने आई थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल सुरक्षित है। एहतियातन कुछ चीजों को लेकर के जो हमको कहना था वो हमने तैयारियां प्रशासन के ध्यान में ला करके करने के लिए कहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी आज तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उन सारी बातों को लेकर जो इंटेलिजेंस और सर्विलेंस की जो चीजों को लेकर के जो कहने की करने की आवश्यकता है, वो सारी चीजें की गई है। आज यहां पर महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, उसके बाद सम्मेलन था और बहुत सफलतापूर्वक बहुत गर्मजोशी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। और आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है मातृशक्ति की ओर से, जो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनने चाहिए, और उसके लिए महिला मोर्चा पूर्ण रूप से तैयार है। जो भी करना होगा वो उनके लिए करने के लिए इलेक्शन आने वाले हैं और मिनिस्टर्स आपस में ही लड़ी आ रही है और कुछ लोग खुश नहीं है। लेकिन ऐसा है, देखिए कुछ बातों को लेकर के ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये सारी बातें कहीं थोड़ी बहुत कहीं सामने आई थी। अब आज की तारीख में इन सारी चीजों का विराम।